पटना से दिल्ली तक के पॉलिटिकल गलियारे में, राजनीतिक गलियारे में इस बात की बड़ी जोर शोर से चर्चा है कि मुकेश सहनी एनडीए कोटे से बीजेपी जो है वो उनको राज्यसभा भेज सकती है। देखिए एक बड़ा सवाल है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता क्यों काटा गया, क्यों आज बीजेपी जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को साइड करने में लगे। देखिए इसके पीछे का जो कुशवाहा पॉलिटिक्स, देखिए काराकाट से चुनाव लड़े उपेंद्र कुशवाहा, कुशवाहा वोटर्स की इन दिनों गोलबंदी जो है वो आरजेडी की तरफ ज्यादा दिख रही है, मतलब कुशवाहा वोटर जो है वो एक बार फिर से टर्नओवर हो रहे हैं महागठबंधन की तरफ। लालू प्रसाद यादव की जो रणनीति रही लोकसभा चुनाव में, कुशवाहा को सब साफ टिकट दिया गया महागठबंधन की तरफ से। देखिए बिहार की 2 राज्यसभा सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं और देश के 9 राज्यों में कुल 12 राज्यसभा सीट ऐसे हैं जो रिक्त हैं और उन पर अब चुनाव होने जा रहा है। बजाते इसका ऐलान जो है वो निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कर दिया गया है। अब देखिए इसकी प्रक्रिया इसी महीने पूरी करनी है, सितंबर 3 तारीख को वोटिंग होगा और उसी दिन काउंटिंग हो जाएगा। अब राज्यसभा सीट को लेकर आर के सिंह का नाम, जो आरा के पूर्व सांसद रहे हैं, उनका नाम लगभग फाइनल कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। लेकिन एक और सीट है जिस पर पेच फंस रहा है और वो सीट भी एनडीए खेमे में ही है। देखिए चर्चा इस बात को लेकर लगातार हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो राज्यसभा जा सकते हैं। जी हाँ, आपको याद होगा कि बीते कई दिनों से राज्यसभा सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का नाम एनडीए में भी चल रहा है। कई बार तो खबर आया, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमें पता चला और जो सूत्र बताते हैं उनकी पार्टी के भी कुछ लोग इस बात का दावा करते रहे हैं, हमसे भी बातचीत हुई है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन देखिए इस बीच एक और, मतलब कहिए कि बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और इस खबर में मुकेश सहनी भी शामिल है। तो आप समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा की जो दावेदारी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उनकी पार्टी है, उनके जो नेता हैं जो बार बार इस बात का दावा करते रहे हैं, एनडीए में भी चर्चा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे, शायद इस पर पूर्ण विराम लग सकता है। जी हां, और उनके जगह पर मुकेश सहनी, देखिए ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है, मुकेश सहनी जो है विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष सन ऑफ मल्ला, वो जो है एनडीए कोटे से राज्यसभा जा सकते हैं। मतलब महागठबंधन, जिस गठबंधन में रह के उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, 3 सीटें उन्हें मिली थी, झंझारपुर, मोतिहारी और गोपालगंज, हालांकि कोई सीट वो जीत नहीं पाए उनके प्रत्याशी। लेकिन अब जो ताजा अपडेट आ रहा है, मुकेश सहनी की बात दिल्ली हो रही है, मुकेश सहनी बीजेपी के शीर्ष नेताओं से संपर्क में है और जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि मुकेश सहनी एनडीए कोटे से राज्यसभा जा सकते हैं। उनकी पार्टी के भी जो उनके करीबी नेता है उनसे भी बातचीत हुई तो कुछ भी इस पर खुलकर कहने को वो तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि समय का इंतजार कीजिए, सब बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं मुकेश सहनी, जो शक पैदा कर रहा है कि क्या सच में मुकेश सहनी जो है वो एनडीए कोटे से राज्यसभा जाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता क्यों काटा गया, क्यों आज बीजेपी जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को साइड करने में लगे। देखिए इसके पीछे का जो कुशवाहा पॉलिटिक्स, देखिए काराकाट से चुनाव लड़े उपेंद्र कुशवाहा, सभी लोग जानते हैं, और बुरी तरीके से पराजित हो गए, 3रे नंबर पे आ गए, पवन सिंह उनसे आगे निकल गए। दूसरा मसला ये भी है कि कुशवाहा वोटर्स की इन दिनों गोलबंदी जो है वो आरजेडी की तरफ ज्यादा दिख रही है, मतलब कुशवाहा वोटर जो है वो एक बार फिर से टर्नओवर हो रहे हैं महागठबंधन की तरफ। लालू प्रसाद यादव की जो रणनीति रही लोकसभा चुनाव में, कुशवाहा को सब साफ टिकट दिया गया महागठबंधन की तरफ से। कई नाम, श्रवण कुशवाहा नवादा से लड़े, औरंगाबाद से भी अभय कुशवाहा लड़े, वो तो जीत भी गए। इसके अलावा राजेश कुशवाहा मोतिहारी से लड़े, तो एक लंबी फेहरिस्त रही कुशवाहा प्रत्याशियों की। इसके चलते हुए जो कुशवाहा वोटर है उनका एक कह सकते हैं कि बड़ा परिवर्तन जो है वो आरजेडी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, महागठबंधन की तरफ देखने को मिला। तो बीजेपी समझ चुकी है कि कुशवाहा वोटर जो है वो या तो महागठबंधन के साथ जाएंगे, आरजेडी के साथ जाएंगे, या फिर नीतीश कुमार के जो कैडर वोटर रहे हैं वो पूर्व में उनके साथ ही रहेंगे। तो उन पर दाव लगाना कोई बहुत, अब विधानसभा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। लेकिन मल्ला, केवट, निषाद, बिंद, ये जो जातियां हैं इनका वोट बीजेपी को पूर्व में भी मिलते रहा है, पारंपरिक तौर से भी ये मुकेश सहनी के पहले भी बीजेपी को वोट करते रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी चूंकि इनकी जाति के नेता बन गए हैं, तो ऐसे में अगर मुकेश सहनी एनडीए से राज्यसभा जाते हैं तो ये एक बड़ा
वोट बैंक है बिहार का, करीब 9% के आसपास दावा किया जाता है इनकी सभी उपजातियों को जोड़कर, वो वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड़ जाए, इसलिए बीजेपी इस रणनीति पर विचार कर रही है। मैंने कहा ना कि दिल्ली में भी चर्चा हो रही है, पटना से दिल्ली तक के पॉलिटिकल गलियारे में, राजनीतिक गलियारे में इस बात की बड़ी जोर शोर से चर्चा है कि मुकेश सहनी एनडीए कोटे से बीजेपी जो है वो उनको राज्यसभा भेज सकती है। देखिए क्या होगा वो इस महीने के अंत तक तो पता चल ही जाएगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर खतरे का तलवार लटक रहा है और शायद उपेंद्र कुशवाहा की जो दावेदारी है वो पूरी ना हो सके और उनकी जगह पर महागठबंधन को छोड़कर मुकेश सहनी जो है वो राज्यसभा जो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है वहां के सदस्य बन सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।